शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आए दिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर छात्र चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी एक वारदात जिलाधिकारी सेतु कार्यालय के गेट के सामने में फुटपाथ पर खड़े एक ठेला वस्तु विक्रेता के साथ हुई है। दुकानदार ने रात को ठेला बंद करके घर गया था। जब सुबह आकर देखा तो ठेला पूरी तरह से नदारद था। ठेला चोरी होने की शिकायत सदर थाने में दर्ज की गई है। सदर पुलिस ने सीसीटीवी सर्वेलांस कैमरे के जरिए उस फुटेज को खंगाला और आरोपी उसमें कैद थे। सदर पुलिस ने कार्रवाई कर छात्री चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आए दिन कभी दिन दहाड़े तो कभी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों की टोली शहर भर में चोरी के वारदातों को अंजाम दे रही है। ऐसी एक घटना जिलाधिकारी कार्यालय गेट के सामने में फुटपाथ पर लगे एक ठेला विक्रेता के साथ हुई है। रात को घर जाते समय ठेला मालिक दुकानदार ने अपनी दुकान बढ़ाते हुए घर चले गया। जब वो सुबह ठेला खोलने आया तो उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई थी। उसका पूरा ठेला ही रात के अंधेरे में एक बड़े चार पहिया वाहन में डालकर दो शातिर चोर वहां से 9-2-11 हो गए। फिरियादी ठेला मालिक ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सदर पुलिस ने सीसीटीवी सर्विलांस खंगाला, जिसमें शातिर चोर ठेला वाहन में डालकर वहां से रफू चक्कर होते दिखाई दिए। इस आधार पर सदर पुलिस ने खोजबीन कर दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर पुलिस थाने से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।